का नाम है विधाता। यह मूवी 1982 में 3 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 80% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। विधाता 1982 के बाद है एक्शन रॉबर्ट, जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा निर्मित की गई है। इसमें मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी हैं। इसमें शमी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबराय और सारिका सहायक भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म को कन्नड़ में पितामह के रूप में बताया गया था, जिसमें रविचंद्र, राजेश कुमार, उदय कुमार, विजयलक्ष्मी सिंह ने मलयालम में अंधकांदली नकले के रूप में अभिनय किया था, जिसमें प्रेम नजीर, मधु श्री विधवा और कुमुटी ने भी अभिनय किया था। इसे तमिल की मामसा विलाप के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी गणेश के साथ इसे बनाया गया था। विधाता 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जब मुद्रा के लिए समायोजित किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। तो मूवी सुपर हिट रही थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं तथा राइटर सचिन बोनमिक, सुभाष घई और केदार खान हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर गुलशन राय हैं। इस मूवी में दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबराय, अमरीश पुरी और सारिका मुख्य लीड रोल में नजर आती हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी कलमेकर रॉय ने की है। मूवी के एडिट वामन भोसले और गुरुदत्त सिंह ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट तिरुपति फिल्म द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी की मुख्य बात यह है कि इस मूवी का बजट 8 करोड़ का था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई करी, यानी इस मूवी ने अपनी दुगनी कमाई करी, इसलिए ये मूवी सुपर हिट भी रही है। स्टारिंग शमशेर सिंह यानी दिलीप कुमार और उनके बेटे प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबराय और बहू एक भारतीय गाँव की एक उदार जीवन जीने वाली औरत से शुरू होती है। शमशेर अपने दोस्त गुरबख सिंह यानी समूह कपूर के साथ इंजन ड्राइवर का काम करते हैं। प्रताप को गांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रताप द्वारा जगवार और उसकी अवैध गतिविधियों के मदद करने से मना करने के बाद एक कुख्यात स्थानीय तस्कर जगवार चौधरी यानी अमरीश पुरी द्वारा बेरहमी से मारा डाला जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और वह जगवार के कुछ गुंडों को मार डालता है, जिससे उसे अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते हुए देखा था। जब वह जगवार के एक आदमी से उसके बेटे की हत्या के पीछे व्यक्ति के बारे में पूछता वाला होता है तो पुलिस उसे रोक लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। शमशेर सिंह किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुणाल सिंह यानी संजय दत्त को जन्म देते समय उसकी बहू की मौत हो जाती है। शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल को भी ले जाता है और पुलिस से छिपने के लिए अपना गांव छोड़ देता है। जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में अपने पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शमशेर सिंह एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन सर विजया यानी श्रीराम लालू के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर स्वराज के रूप में उसे एक नई पहचान देता है। समय के साथ वह एक धनी और शक्तिशाली तस्कर और विजया समूह का अध्यक्ष बन जाता है। इस बीच कुणाल शमशेर के वफादार कर्मचारी अबू अब्बा यानी संजीव कुमार की सख्त निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा यानी पद्मी कोल्हापुरी से प्यार हो जाता है, जो एक खूबसूरत झुग्गी झोपड़ी की लड़की है और शमशेर के पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है। हालांकि चीजें एक बदसूरत मोड़ लेती हैं जब शमशेर सिंह कुणाल को दुर्गा से शादी करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से है। इसके बजाय वह दुर्गा की माँ यानी सुधा सिपुरी को अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ने की चेतावनी देता है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है,
बाद में अपने प्यार को त्यागने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ के साथ एक जहाज में गोवा चली जाती है, जहाँ शमशे के लोग उसे के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अबू अब्बा उनके बचाव में आते हैं और उन्हें बचाते हैं, लेकिन शमशे के आदमी द्वारा जगवार की मदद से मार डाला जाता है, जो गोवा का एक शक्तिशाली तस्कर बन गया है। कुनाल अपने अबू के शव को देखकर तबाह हो जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अबू अब्बा की मौत की उसकी जांच के अंत में उन्हें दादा की असली पहचान और उसके पिता के हत्यारे के बारे में पता चलता है। इसके बाद जगवार और उसके बीच कांटे की टक्कर चलती है, जिसमें वो शमशेर सिंह की मौत का बदला से लेता है। अंडरवर्ल्ड डॉन हर स्वराज को भी मार देता है। इसके बाद वह जगवार को मारकर अपना अंतिम बदला लेता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है, जो अब तक जीवित होती है। अपनी माँ और दुर्गा के परिवार के साथ संजय अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। कास्टिंग की बात करें तो दिलीप कुमार ने शमशेर सिंह का, शमी कपूर ने गुरबेश सिंह का यानी शमशेर के फ्रेंड का, संजीव कुमार ने अबू बाबा का, संजय दत्त ने कुणाल सिंह का, पद्मिनी कोल्हापुरी ने दुर्गा का, सारिका ने नीलामी का, अमरीश पुरी ने जगवार चौधरी का, मदन पुरी ने केके सिंह का यानी शमशेर फ्रेंड का, गौतम शरानी ने पोचिंग का यानी केके संघ का, टॉम एल्टर ने सर डेविड का, सुरेश ओबेरॉय ने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का, शमरीम लाहौन ने श्रीराम मिराज का, जगदीप ने पीटर जॉन डिकॉस्टा का, अनिल तान ने मित्र स्वामी का, बिरबल ने भीमा का, विजय कोटे ने कोल्हापुरी के हस्बैंड का, सुधांश पुरी ने दुर्गा की माँ का, करिश्मा धावना ने गणपत का और दुर्गा के पिता का, सुधीर ने एक इंडियन एक्टर बल्लू जगवार चौधरी के बैट्समैन का, उग्री ने डांस ऑर्गेनाइजर के सॉन्ग का, कुड़ी बाबा मल्होत्रा ने लिली अनी जगवार की मिस्ट्रेस का, अंग्रेवाल ने टोनी का रोल प्ले किया है। इस मूवी को 30 फिल्म प्लेयर अवार्ड मिला तथा इस मूवी को बेस्ट फिल्म प्लेयर अवार्ड के रूप में गोशन कुमार को नॉमिनी किया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए विभास घाई को, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और शमी कपूर को नॉमिनेट किया गया। मूवी के साउंड ट्रैक आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। हाथों की चांद लकीरों का अनवर और सुरेश वाडकर द्वारा गाया हुआ गाना है, वो साथ ही लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना है। प्यार का इम्तिहान आशा भोसले द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत है। सात सतेलियां में निर्मता कांची, पद्मिनी कोल्हापुरी, शिवाजी कोल्हापुरी, किशोर कुमार अरोधा और पौधेवाला और साधना सरगम और अलका याग्निक, इन बड़े बड़े सिंगरों द्वारा गाया हुआ यह एक गाना है, जो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये अकेला गाना सिर्फ 9 मिनट का था। इस मूवी का आखिरी सॉन्ग कुड़ी बाबा आशा भोसले द्वारा गाया हुआ है, जो आज भी प्रचलन है। अभिनेता और निर्देशक यानी शमी कपूर की बात करें, जो हिंदी फिल्म के एक बेहतरीन अभिनेता हैं, उन्हें जंगली तमसान नहीं देखा, दिल देखो देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंदिर, अंदाज, इवन इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। शमी कपूर का जन्म 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर जाने माने अभिनेता थे, अभिनय इनके विरासत में मिला था। शमी कपूर की पहली शादी अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी, लेकिन 1964 में चेचक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शमी कपूर ने नीला देवी से शादी की। 14 अगस्त 2011 की 5 बजे इनका निधन हो गया। साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति के बतौर अभिनेता शमी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और शमी की शुरुआती फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डब्बा और कुल शनोवार थी। शमी कपूर ने मुख्य अभिनेता के तौर पर 50 से अधिक फिल्में की थी और सहायक भूमिका में 20 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी,
में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। शम्मी कपूर ने 2006 में सैंडविच, 2002 में वाद क्या कहना, 2001 में सेंसर, 1999 में जाना समझा करो, 1998 में करीब, 1998 में ढूंढते रह जाओगे, 1997 में और प्यार हो गया, 1997 में शेयर बजा, 1996 में मेघा और प्रेम करण, नमक, रॉकर, डांसर जैसी फिल्में की हैं। 1994 में प्रेम का रोग, प्रेम का योग, विवेकानंद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं। 1993 में तुम करो याद, आज बेजान, गर्दिश जैसी फिल्में की हैं। वहीं 1992 में हमशकल, खुलेआम, तहलका, चमत्कार, हीरा मांझा जैसी फिल्में की हैं। 1991 में मस्त कलंदर, अजूबा, लक्ष्मण रेखा, बड़े घर की बेटी जैसी फिल्में हुई हैं। वहीं 1989 में बंटवारा में बड़े ठाकुर का रोल प्ले किया है। 1987 में हिम्मत और मेहनत में विजय के पिता का रोल प्ले किया है। 1986 में काला धंधा गोरे लोग में विशेष भूमिका निभाई है। 1985 में बादल में ठाकुर शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1986 में करमदाता और अल्लाह रुखा में इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। 1982 में देश प्रेमी में शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1982 में विधाता में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। 1982 में इन्होंने तहलका, वहीं 1981 में आहिस्ता आहिस्ता में सागर का रोल प्ले किया है। 1981 में एक और फिल्म आई हरजाई में भी उन्होंने राजनाथ का रोल प्ले किया। 1997 में इन्होंने अंदाज में रवि का रोल प्ले किया है। वहीं 1969 में इन्होंने अशोक का रोल प्ले किया है, वो भी संजय मूवी में। 1968 में ब्रह्मचारी में इन्होंने एक ब्रह्मचारी का रोल प्ले किया है, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने प्रिंस, ब्रह्मचारी, लाट साहब, तीसरी मंजिल, राजकुमार, प्यार किया तो डरना क्या, दिल तेरा दीवाना, प्रोफेसर, जंगली बॉयफ्रेंड, दिल देख देखो, चार दिल चार राही, तुमसा नहीं देखा, नेम साहिब, मनाप, जोर बजा, जीवन ज्योति और रेल का डब्बा जैसी बहुत सी मनोरंजक फिल्में की हैं जो लोगों को आज भी बहुत पसंद आती हैं। गाइस, आप सभी को बोलिए कि सॉन्ग का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप अपने फेवरेट एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी का नाम है विधाता। यह मूवी 1982 में 3 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 80% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया। जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा निर्मित की गई है। इसमें मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मी कोल्हापुरी हैं। इसमें शमी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका सहायक भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म को कन्नड़ में पितामह के रूप में बताया गया था, जिसमें रविचंद्र, राजेश कुमार, उदय कुमार, विजयलक्ष्मी सिंह ने मलयालम में अंधकांतली नकरे के रूप में अभिनय किया था, जिसमें प्रेम नजीर, मधु श्रीविधवा और मम्मूटी ने भी अभिनय किया था। इसे तमिल की मामसा विलाप के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी गणेश के साथ इसे बनाया गया था। विधाता 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। मूवी सुपरहिट रही थी। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं तथा राइटर सचिन कौनमिक, सुभाष घई और केदार खान हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर गुलशन राय हैं। इस मूवी में दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबेरॉय, अमरीश पुरी और सारिका
मुख्य लीड रोल में नजर आती हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी कलमेकर रॉय ने की है। मूवी के एडिट वामन भोसले और गुरुदत्त सिडने ने किया। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट तिरुपति फिल्म द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी की मुख्य बात यह है कि इस मूवी का बजट 8 करोड़ का था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई करी, यानी इस मूवी ने अपनी दुगनी कमाई करी। इसलिए ये मूवी सुपरहिट भी रही है। स्टारिंग सत्येंद्र सिंह यानी दिलीप कुमार और उनके बेटे प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबेरॉय और बहू एक भारतीय गांव की एक खुशहाल जीवन जीने वाली औरत से शुरू होती है। शमशेर अपने दोस्त गुरभक सिंह यानी समूह कपूर के साथ इंजन ड्राइवर का काम करते हैं। प्रताप को गांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रताप द्वारा जगवार और उसकी अवैध गतिविधियों के मदद करने से मना करने के बाद एक कुख्यात स्थानीय तस्कर जगवार चौधरी यानी अमरीश पुरी द्वारा बेरहमी से मारा डाला जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और वह जगवार के कुछ गुंडों को मार डालता है, जिससे उसे अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते हुए देखा था। जब वह जगवार के एक आदमी से उसके बेटे की हत्या के पीछे व्यक्ति के बारे में पूछता वाला होता है, तो पुलिस उसे रोक लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। शमशेर सिंह इसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुणाल सिंह यानी संजय दत्त को जन्म देते समय उसकी बहू की मौत हो जाती है। शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल को भी ले जाता है और पुलिस से छिपने के लिए अपना गांव छोड़ देता है। जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में अपने पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शमशेर सिंह एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन सर मिर्जा यानी श्रीराम लालू के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर स्वराज के रूप में उसे एक नई पहचान देता है। समय के साथ वह एक धनी और शक्तिशाली तस्कर और मिर्जा समूह का अध्यक्ष बन जाता है। शमशेर के वफादार कर्मचारी अबू कब्बा यानी संजीव कुमार की सख्त निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा यानी पद्मी कोल्हापुरी से प्यार हो जाता है, जो एक खूबसूरत झुकी झोपड़ी की लड़की है और शमशेर के पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है। हालांकि चीजें एक बदसूरत मोड़ लेती है जब शमशेर सिंह कुणाल को दुर्गा से शादी करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से है। इसके बजाय वह दुर्गा की माँ यानी सुधा सिपुरी को अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ने की चेतावनी देता है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में अपने प्यार को त्यागने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ के साथ एक जहाज में गोवा चली जाती है, जहाँ शमशेर के लोग उसे के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अबू अब्बा उनके बचाव में आते हैं और उन्हें बचाते हैं, लेकिन शमशेर के आदमी द्वारा जगवार की मदद से मार डाला जाता है, जो गोवा का एक शक्तिशाली तस्कर बन गया है। कुणाल अपने अबू के शव को देखकर तबाह हो जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अबू अब्बा की मौत की उसकी जांच के अंत में उसने दादा की असली पहचान और उसके पिता की हत्या के बारे में पता चलता है। के बाद जगवार और उसके बीच कांटे की टक्कर चलती है, जिसमें वो शमशेर सिंह की मौत का बदला से लेता है। अंडरवर्ल्ड डॉन का स्वराज को भी मार देता है। इसके बाद वह जगवार को मारकर अपना अंतिम बदला लेता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है, जो अब तक जीवित होती है। अपनी माँ और दुर्गा के परिवार के साथ संजय अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। कास्टिंग की बात करें तो दिलीप कुमार ने शमशेर सिंह का, समी कपूर ने गुरप्रीत सिंह का यानी शमशेर के फ्रेंड का, संजीव कुमार ने अबू बाबा का, संजय दत्त ने कुणाल सिंह का, पद्मिनी कोल्हापुरी ने दुर्गा का, सारिका ने नीलामी का, अमरीश पुरी ने जगवार चौधरी का, मदन पुरी ने के सिंह का यानी शमशेर असिस्टेंट का, गौतम शरानी ने पोचिन का यानी के संघ का, टॉम एल्टर ने सर डेविड का, सुरेश ओबेरॉय ने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का, शमरीन लाहौल ने श्रीराम मिराज का, जगदीप ने पीटर जॉन इस पोस्टर का, अनिल खान ने
करने का। बीरबल ने भीमा का, विजय कोटे ने कोल्हापुरी के हस्बैंड का, सुधास पुरे ने दुर्गा की माँ का, करिश्मा सावना ने गणपत का और दुर्गा के पिता का, सुधीर ने एक इंडियन एक्टर बल्लू जगवार चौधरी के हस्बैंड का, सुधीर ने डांस ऑर्गेनाइजर कई सॉन्ग का, ओडी बाबा मल्होत्रा ने लिली अनी जगवार की मिस्ट्रेस का, अंग्रेवाल ने टोनी का रोल प्ले किया है। इस मूवी को 30 फिल्म फेयर अवार्ड मिला तथा इस मूवी को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में गोशन कुमार को नॉमिनी किया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए विभास घाई को, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और शम्मी कपूर को नॉमिनेट किया गया। इस मूवी के साउंड ट्रैक आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। हाथों की चांद लकीरों का अनवर और सुरेश वाडकर द्वारा गाया हुआ गाना है और साथ ही लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना है। प्यार का इम्तिहान आशा भोसले द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत है। सात सत्येलियां में हेलमता कांची, पद्मिनी कोल्हापुरी, शिवाजी कोल्हापुरी, किशोर कुमार अरोधा और पौधेवाला और साधना सरगम और अलका याग्निक, बड़े बड़े सिंगरों द्वारा गाया हुआ यह एक गाना है जो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये अकेला गाना सिर्फ 9 मिनट का था। इस मूवी का आखिरी सॉन्ग उड़ी बाबा आशा भोसले द्वारा गाया हुआ है जो आज भी प्रचलन में है। अभिनेता और निर्देशक यानी शम्मी कपूर की बात करें जो हिंदी फिल्म के एक बेहतरीन अभिनेता है, उन्हें जंगली तुमसान नहीं देखा, दिल देखो देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की गली, जानवर, तीसरी मंदिर, अंदाज, इवन इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। शम्मी कपूर का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर जाने माने अभिनेता थे। अभिनय इनके विरासत में मिला था। शम्मी कपूर की पहली शादी अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी, लेकिन 1964 में चेचक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी की। 14 अगस्त 2011 की 5 बजे इनका निधन हो गया। साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति के बतौर अभिनेता शम्मी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और शम्मी की शुरुआती फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डब्बा और कुछ क्षणों पार थी। शम्मी कपूर ने मुख्य अभिनेता के तौर पर 50 से अधिक फिल्में की थी और सहायक भूमिका में 20 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। शम्मी कपूर ने 2006 में सैंडविच, 2002 में बात है क्या कहना, 2001 में सेंसर, 99 में जाना समझा करो, 1998 में करीब, 1998 में ढूंढते रह जाओगे, 1997 में और प्यार हो गया, 1997 में शेयर बाजार, 1996 में मेघा और प्रेम करण, नमक, रॉकर, डांसर जैसी फिल्में की हैं। 1994 में प्रेम का रोग, प्रेम का योग, विवेकानंद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं। 1993 में तुम करो याद, आज मेरी जान, गर्दिश जैसी फिल्में की हैं। वहीं 1992 में हमशकल, खुलेआम, तहलका, चमत्कार, हीरा मांझा जैसी फिल्में की हैं। 1991 में मस्त कलंदर, अजूबा, लक्ष्मण रेखा, बड़े घर की बेटी जैसी फिल्में हुई हैं। वहीं 1989 में बंटवारा में बड़े ठाकुर का रोल प्ले किया है। 1987 में हिम्मत और मेहनत में विजय के पिता का रोल प्ले किया है। 1986 में काला धंधा गोरे लोग में विशेष भूमिका निभाई है। 1985 में बादल में ठाकुर शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1986 में करमदाता और अल्लाह रुखान में इन्होंने अपना बेहतरीन रोल किया है। 1982 में देश प्रेम में शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1982 में विधाता में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। 1982 में इन्होंने तहलका, वहीं 1981 में आहिस्ता आहिस्ता में सागर का रोल प्ले किया है। 1981 में एक और फिल्म आई हरजाई में भी उन्होंने राजनाथ का रोल प्ले किया है। 1997 में इन्होंने अंदाज में रवि का रोल प्ले किया है। वहीं 1969 में इन्होंने अशोक का रोल प्ले किया है, वो भी सच्चाई मूवी में।
1968 में ब्रह्मचारी में इन्होंने एक ब्रह्मचारी का रोल प्ले किया है, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने प्रिंस, ब्रह्मचारी, लाट साहब, तीसरी मंजिल, राजकुमार, प्यार किया तो डरना क्या, तैयार दीवाना, प्रोफेसर, जंगली बॉयफ्रेंड, दिल देख देखो, चार दिल चार राही, तुमसा नहीं देखा, नेम साहिब, अनाप, जोर बजा, जीवन ज्योति और रेल का डब्बा जैसी बहुत सी मनोरंजक फिल्में की हैं जो लोगों को आज भी बहुत पसंद आती हैं। गाइस, आप सभी के एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अपने फेवरेट एक्टर राज कपूर की किस मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो सभी। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है विधाता। यह मूवी 1982 में 3 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 80% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। विधाता 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा निर्मित की गई है। इसमें मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मी कोल्हापुरी हैं। इसमें शमी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबराय और सारिका सहायक भूमिका में नजर आती हैं। फिल्म को कन्नड़ में पितामह के रूप में बताया गया था, जिसमें रविचंद्र, राजेश कुमार, उदय कुमार, विजयलक्ष्मी सिंह ने मलयालम में अंधकांतली नकरे के रूप में अभिनय किया था, जिसमें प्रेम नजीर, मधु श्रीविधवा और उमुरी ने भी अभिनय किया था। इसे तमिल की मामसा विलाक के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी गणेश के साथ इसे बनाया गया था। विधाता 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जब मुद्रास्त्र के लिए समायोजित किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। तो मूवी सुपरहिट रही थी। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं तथा राइटर सचिन भौमिक, सुभाष घई और केदार खान हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर गुलशन राय हैं। इस मूवी में दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबराय, अमरीश पुरी और सारिका मुख्य लीड रोल में नजर आती है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी फिल्मेकर रॉय ने की है। मूवी के एडिट कॉमन भोसले और गुरुदत्त सिंह ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट तिरुपति फिल्म द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी की मुख्य बात यह है कि इस मूवी का बजट 8 करोड़ का था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई करी, यानी इस मूवी ने अपनी दुगनी कमाई करी, इसलिए यह मूवी सुपरहिट भी रही है। स्टारिंग शमशेर सिंह यानी दिलीप कुमार और उनके बेटे प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबराय और बहू एक भारतीय गाँव की एक खुशहाल जीवन जीने वाली औरत से शुरू होती है। शमशेर अपने दोस्त गुरबख्श सिंह यानी समूह कपूर के साथ इंजन ड्राइवर का काम करते हैं। प्रताप को गांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रताप द्वारा जगवार और उसकी अवैध गतिविधियों के मदद करने से मना करने के बाद एक कुख्यात स्थानीय तस्कर जगवार चौधरी यानी अमरीश पुरी द्वारा बेरहमी से मारा डाला जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और वह जगवार के कुछ गुंडों को मार डालता है, जिससे उसे अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते हुए देखा था। जब वह जगवार के एक आदमी से उसके बेटे की हत्या के पीछे व्यक्ति के बारे में पूछता वाला होता है तो पुलिस उसे रोक लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। शमशेर सिंह किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुणाल सिंह यानी संजय दत्त को जन्म देते समय उसकी बहू की मौत हो जाती है। शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल को भी ले जाता है और पुलिस से छिपने के लिए अपना गांव छोड़ देता है। जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में अपने
पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शमशेर सिंह एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन सर मिर्जा यानी श्री राम लालू के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर स्वराज के रूप में उसे एक नई पहचान लेता है। समय के साथ वह एक धनी और शक्तिशाली तस्कर और मिर्जा समूह का अध्यक्ष बन जाता है। इस बीच कुणाल शमशेर के वफादार कर्मचारी अबू अब्बा यानी संजीव कुमार की सख्त निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा यानी पद्मी कोल्हापुरी से प्यार हो जाता है जो एक खूबसूरत झुग्गी झोपड़ी की लड़की है और शमशेर के पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है। हालांकि चीजें एक बदसूरत मोड़ लेती हैं जब शमशेर सिंह कुणाल को दुर्गा से शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से है। इसके बजाय वह दुर्गा की माँ यानी सुधा सिपुरी को अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ने की चेतावनी देता है अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन बाद में अपने प्यार को त्यागने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ के साथ एक जहाज में गोवा चली जाती है जहाँ शमशेर के लोग उसे के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अबू अब्बा उनके बचाव में आते हैं और उन्हें बचाते हैं लेकिन शमशेर के आदमी द्वारा जगवार की मदद से मार डाला जाता है जो गोवा का एक शक्तिशाली तस्कर बन गया है। कुणाल अपने अबू के शव को देखकर तबाह हो जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अबू अब्बा की मौत की उसकी जांच के अंत में उसने दादा की असली पहचान और उसके पिता की हत्या के बारे में पता चलता है। इसके बाद जगवार और उसके बीच कांटे की टक्कर चलती है जिसमें वो शमशेर सिंह की मौत का बदला से लेता है। अंडरवर्ल्ड डॉन स्वराज को भी मार देता है। उसके बाद वह जगवार को मारकर अपना अंतिम बदला लेता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है जो अब तक जीवित होती है। अपनी माँ और दुर्गा के परिवार के साथ संजय अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और यही इस मूवी का डी एंड हो जाता है। की कास्टिंग की बात करें तो दिलीप कुमार ने शमशेर सिंह का, शमी कपूर ने गुरबेश सिंह का यानी शमशेर के फ्रेंड का, संजीव कुमार ने अबू बाबा का, संजय दत्त ने कुणाल सिंह का, पद्मिनी कोल्हापुरी ने दुर्गा का, सारिका ने नीलामी का, अमरीश पुरी ने जगवार चौधरी का, मदन पुरी ने के सिंह का यानी शमशेर असिस्टेंट का, गौतम शरानी ने पोचिंग का यानी के संघ का, टॉम एल्टर ने सर डेविड का, सुरेश ओबराय ने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का, शमरीन लाहौन ने श्रीराम मिराज का, जगदीप ने पीटर जॉन डिस्कोस्टा का, अनिल खान ने मुत्तुस्वामी का, बिरबल ने भीमा का, विजय कोटे ने कोल्हापुरी के हस्बैंड का, सुधा सिंपुरे ने दुर्गा की माँ का, करिश्मा धावना ने गणपत का और दुर्गा के पिता का, सुधीर ने एक इंडियन एक्टर बल्लू जगवार चौधरी के बैट्समैन का, उगरी ने डांस ऑर्गेनाइजर कई सॉन्ग का, पूरी बाबा मल्होत्रा ने लिली हनी जगवार की स्ट्रेस का, अनंग ग्रेवाल ने टॉनी का रोल प्ले किया है। इस मूवी को 30 फिल्म फेयर अवार्ड मिला तथा इस मूवी को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में गुलशन कुमार को नॉमिनी किया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए सुभाष घाई को, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और शमी कपूर को नॉमिनेट किया गया। इस मूवी के साउंड ट्रैक आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। हाथों की चांद लकीरों का अनवर और सुरेश वाडकर द्वारा गाया हुआ गाना है और साथ ही लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना है। प्यार का इम्तिहान आशा भोसले द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत है। सात सतेलियां में हेलमता कांची पद्मिनी कोल्हापुरी शिवाजी कोल्हापुरी किशोर कुमार अरोधा और पौधेवाला और साधना सरगम और अलका याग्निक इन बड़े बड़े सिंगरों द्वारा गाया हुआ यह एक गाना है जो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये अकेला गाना सिर्फ 9 मिनट का था। इस मूवी का आखिरी सॉन्ग पूरी बाबा आशा भोसले द्वारा गाया हुआ है जो आज भी प्रचलन में है। इस मूवी के अभिनेता और निर्देशक यानी शमी कपूर की बात करें जो हिंदी फिल्म के एक बेहतरीन अभिनेता है। उन्हें जंगली तमसान नहीं देखा, दिल देखो देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंदिर,
अंदाज इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। सनी कपूर का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर जाने माने अभिनेता थे। अभिनय इनके विरासत में मिला था। शमी कपूर की पहली शादी अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी, लेकिन 1964 में चेचक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शमी कपूर ने नीला देवी से शादी करी। 14 अगस्त 2011 की सुबह 5 बजे इनका निधन हो गया। साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति के बतौर अभिनेता शमी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और शमी की शुरुआती फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डब्बा और गुल शनोपार थी। शमी कपूर ने मुख्य अभिनेता के तौर पर 50 से अधिक फिल्में की थी और सहायक भूमिका में 20 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। शमी कपूर ने 2002 में बात है क्या कहना, 2001 में सहसा, 1999 में जाना समझा करो, 1998 में करीब, 1998 में ढूंढते रह जाओगे, 1997 में और प्यार हो गया, 1997 में शेयर बाजार, 1996 में मेगा और प्रेम करंत, नमक, रॉकर, डांसर जैसी फिल्में की हैं। 1994 में प्रेम का रोग, प्रेम का योग, विवेकानंद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं। 1993 में तुम करो याद, आज मेजान, गर्दिश जैसी फिल्में की हैं। वहीं 1992 में हमशकल, खुलेआम, तहलका, चमत्कार, हीरा मांझा जैसी फिल्में की हैं। 1991 में मस्त कलंदर, अजूबा, लक्ष्मण रेखा, बड़े घर की बेटी जैसी फिल्में हुई हैं। वहीं 1989 में बंटवारा में बड़े ठाकुर का रोल प्ले किया है। 1987 में हिम्मत और मेहनत में विजय के पिता का रोल प्ले किया है। 1986 में काला धंधा गोरे लोग में विशेष भूमिका निभाई है। 1985 में बादल में ठाकुर शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1986 में करमदाता और अल्लाह रुखान में इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। 1982 में देश प्रेमी में शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1982 में विधाता में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। 1982 में इन्होंने तहलका, वहीं 1981 में आहिस्ता आहिस्ता में सागर का रोल प्ले किया है। 1981 में एक और फिल्म आई हरजाई में भी उन्होंने राजनाथ का रोल प्ले किया। 1997 में इन्होंने अंदाज में रवि का रोल प्ले किया है। वहीं 1969 में इन्होंने अशोक का रोल प्ले किया है, वो भी सच्चाई मूवी में। 1968 में ब्रह्मचारी में इन्होंने एक ब्रह्मचारी का रोल प्ले किया है, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। इन्होंने प्रिंस, ब्रह्मचारी, लाट साहब, तीसरी मंजिल, राजकुमार, प्यार किया तो डरना क्या, दिल तेरा दीवाना, प्रोफेसर, जंगली बॉयफ्रेंड, दिल देख देखो, चार दिल चार राही, तुमसा नहीं दिखा, नीम साहिब, आप चोर बजा, जीवन ज्योति और रेल का डब्बा जैसी बहुत सी मनोरंजक फिल्में की हैं जो लोगों को आज भी बहुत पसंद आती हैं। आज आप सभी के सौ का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है विधाता। यह मूवी 1982 में 3 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 80% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। विधाता 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा निर्मित की गई है। इसमें मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी हैं। इसमें शमी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका सहायक भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म को कन्नड़ में पितामह के रूप में बताया गया था, जिसमें रविचंद्र, राजेश कुमार, उदय कुमार, विजयलक्ष्मी सिंह ने मलयालम में अंधकांदली नकल के
के रूप में अभिनय किया था, जिसमें प्रेम नजीर, मधु श्रीविधवा और मुमुटी ने भी अभिनय किया था। इसे तमिल की वामसा विलाप के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी गणेश के साथ इसे बनाया गया था। विधाता 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जब मुद्रा के लिए समायोजित किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। तो मूवी सुपर हिट रही थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं तथा राइटर सचिन वॉर्निक, सुभाष घई और केदार खान हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर गुलशन राय हैं। इस मूवी में दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबेरॉय, अमरीश पुरी और सारिका मुख्य लीड रोल में नजर आते हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी कलमेकर रॉय ने की है। मूवी के एडिट बॉमन भोसले और ग्रुप सिडने ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट तिरुपति फिल्म द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी की मुख्य बात यह है कि इस मूवी का बजट 8 करोड़ का था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई करी, यानी इस मूवी ने अपनी दुगनी कमाई करी, इसलिए ये सुपर हिट भी रही है। स्टारिंग शमशेर सिंह यानी दिलीप कुमार और उनके बेटे प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबेरॉय और बहू एक भारतीय गाँव की एक खुशहाल जीवन जीने वाली औरत से शुरू होती है। शमशेर अपने दोस्त गुरबख्श सिंह यानी समूह कपूर के साथ इंजन ड्राइवर का काम करते हैं। प्रताप को गांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रताप द्वारा जगवार और उसकी अवैध गतिविधियों के मदद करने से मना करने के बाद एक कुख्यात स्थानीय तस्कर जगवार चौधरी यानी अमरीश पुरी द्वारा बेरहमी से मारा डाला जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और वह जगवार के कुछ गुंडों को मार डालता है, जिससे उसे अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते हुए देखा था। जब वह जगवार के एक आदमी से उसके बेटे की हत्या के पीछे व्यक्ति के बारे में पूछता वाला होता है तो पुलिस उसे रोक लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। शमशेर सिंह इसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुणाल सिंह यानी संजय दत्त को जन्म लेते समय उसकी बहू की मौत हो जाती है। शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल को भी ले जाता है और पुलिस से छिपने के लिए अपना गांव छोड़ देता है। जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में अपने पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शमशेर सिंह एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन सर विजया यानी श्रीराम लालू के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर स्वराज के रूप में उसे एक नई पहचान देता है। समय के साथ वह एक धनी और शक्तिशाली तस्कर और विजया समूह का अध्यक्ष बन जाता है। शमशेर के वफादार कर्मचारी अबू अब्बा यानी संजीव कुमार की सख्त निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा यानी पद्मिनी कोल्हापुरी से प्यार हो जाता है, जो एक खूबसूरत झुग्गी झोपड़ी की लड़की है और शमशेर के पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है। हालांकि चीजें एक बदसूरत मोड़ लेती है जब शमशेर सिंह कुणाल को दुर्गा से शादी करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से है। इसके बजाय वह दुर्गा की माँ यानी सुधा सिपुरी को अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ने की चेतावनी देता है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में अपने प्यार को त्यागने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ के साथ एक जहाज में गोवा चली जाती है, जहाँ शमशेर के लोग उसे के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अबू अब्बा उनके बचाव में आते हैं और उन्हें बचाते हैं, लेकिन शमशेर के आदमी द्वारा जगवार की मदद से मार डाला जाता है, जो गोवा का एक शक्तिशाली तस्कर बन गया है। कुणाल अपने अब्बू के शव को देखकर तबाह हो जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अब्बू अब्बा की मौत की उसकी जांच के अंत में अपने दादा की असली पहचान और उसके पिता की हत्या के बारे में पता चलता है। इसके बाद जगवार और उसके बीच कांटे की टक्कर चलती है, जिसमें
है, वो शमशेर सिंह की का बदला से लेता है। अंडरवर्ल्ड डॉन का स्वराज को भी मार देता है। उसके बाद वह जगवा को मारकर अपना अंतिम बदला लेता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है जो अब तक जीवित होती है। अपनी माँ और दुर्गा के परिवार के साथ संजय अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। ये कास्टिंग की बात करें तो दिलीप कुमार ने शमशेर सिंह का, शमी कपूर ने गुरबेश सिंह का यानी शमशेर के फ्रेंड का, संजीव कुमार ने अबू बाबा का, संजय दत्त ने कुणाल सिंह का, पद्मिनी कोल्हापुरी ने दुर्गा का, सारिका ने नीलामी का, अमरीश पुरी ने जगवा चौधरी का, मदन पुरी ने के सिंह का यानी शमशेर असिस्टेंट का, गौतम शरानी ने पोची का यानी के संघ का, टॉम एल्टर ने सर डेविड का, सुरेश ओबेरॉय ने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का, शमरीम लाहौल ने श्रीराम मिराज का, जगदीप ने पीटर जॉन कोस्टा का, अनिल खान ने स्वामी का, बिरबल ने भीमा का, विजय कोटे ने कोल्हापुरी के हस्बैंड का, सुधा सिंहपुरी ने दुर्गा की माँ का, करिश्मा धावना ने गणपत का और दुर्गा के पिता का, सुधीर ने एक इंडियन एक्टर बल्लू जगवाल चौधरी के हस्बैंड का, सुधीर ने डांस ऑर्गेनाइजर कई सॉन्ग का, पूरी बाबा मल्होत्रा ने लिली अनिल जगवाल की मिस्ट्रेस का, अनिल ग्रेवाल ने टोनी का रोल प्ले किया है। इस मूवी को 30 फिल्म प्लेयर अवार्ड मिला तथा इस मूवी को बेस्ट फिल्म प्लेयर अवार्ड के रूप में गोशन कुमार को नॉमिनी किया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए सुभाष घाई को, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और शमी कपूर को नॉमिनेट किया गया। इस मूवी के साउंड ट्रैक आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। हाथों की चांद लकीरों का अनवर और सुरेश वाडकर द्वारा गाया हुआ गाना है और साथ ही लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना है। प्यार का इम्तिहान आशा भोसले द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत है। सात सहेलियां में हेलमता कांची, पद्मिनी कोल्हापुरी, शिवांगी कोल्हापुरी, किशोर कुमार अरोधा और पौधेवाला और साधना सरगम और अलका याग्निक, इन बड़े बड़े सिंगरों द्वारा गाया हुआ यह एक गाना है जो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये अकेला गाना सिर्फ 9 मिनट का था। इस मूवी का आखिरी सॉन्ग बड़ी बाबा आशा भोसले द्वारा गाया हुआ है जो आज भी प्रचलन में है। इस मूवी के अभिनेता और निर्देशक यानी शमी कपूर की बात करें जो हिंदी फिल्म के एक बेहतरीन अभिनेता है, उन्हें जंगली तुमसान नहीं देखा, दिल देखो देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंदिर, अंदाज, इवन इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। शमी कपूर का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर जाने माने अभिनेता थे। अभिनय इनके विरासत में मिला था। शमी कपूर की पहली शादी अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी, लेकिन 1964 में चेचक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शमी कपूर ने नीला देवी से शादी की। 14 अगस्त 2011 की सुबह 5 बजे इनका निधन हो गया। साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति के बतौर अभिनेता शमी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और शमी की शुरुआती फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डब्बा और गुलशनों पार थी। शमी कपूर ने मुख्य अभिनेता के तौर पर 50 से अधिक फिल्में की थी और सहायक भूमिका में 20 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। शमी कपूर ने 2006 में सैंडविच, 2002 में बात है क्या कहना, 2001 में सेंसर, 1999 में जाना समझा करो, 1998 में करीब, 1998 में ढूंढते रह जाओगे, 1997 में और प्यार हो गया, 1997 में शेयर बाजार, 1996 में बेगा और प्रेम करन, नमक, रॉकर, डांसर जैसी फिल्में की हैं, 1994 में प्रेम का रोग, प्रेम का योग, विवेकानंद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं, 1993 में तुम करो याद, आज मेरी जान, गर्दिश जैसी फिल्में की हैं,
वहीं 1992 में हमशकल गुलेआम सहलका चमत्कार हीरा मांझा जैसी फिल्में की हैं। 1991 में मस्त कलंदर अजूबा लक्ष्मण रेखा बड़े घर की बेटी जैसी फिल्में हुई हैं। वहीं 1989 में बंटवारा में बड़े ठाकुर का रोल प्ले किया है। 1987 में हिम्मत और मेहनत में विजय के पिता का रोल प्ले किया है। 1986 में काला धंधा गोरे लोग ने विशेष भूमिका निभाई है। 1985 में बादल में ठाकुर शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1986 में कलमदाता और अल्लाह रुखान में इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। 1982 में देश प्रेम में शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1982 में विधाता में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। 1982 में इन्होंने तहलका, वहीं 1981 में आहिस्ता आहिस्ता में सागर का रोल प्ले किया है। 1981 में एक और फिल्म आई हरजाई में भी उन्होंने राजनाथ का रोल प्ले किया है। 1997 में इन्होंने अंदाज में रवि का रोल प्ले किया है। वहीं 1969 में इन्होंने अशोक का रोल प्ले किया है, वो भी सच्चाई मूवी में। 1968 में ब्रह्मचारी में इन्होंने एक ब्रह्मचारी का रोल प्ले किया है, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने प्रिंस ब्रह्मचारी लाड साहब तीसरी मंडी राजकुमार प्यार किया तो डरना क्या दिल तैयार दीवाना प्रोफेसर जंगली बॉयफ्रेंड दिल देख देखो चार दिल चार राहे तुमसा नहीं देखा नेम साहिब नकाब जोर बजा जीवन ज्योति और रेल का डब्बा जैसी बहुत सी मनोरंजक फिल्में की हैं जो लोगों को आज भी बहुत पसंद आती हैं। गाइस आप सभी को किस और मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अपने फेवरेट एक्टर की भी किस मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है विधाता। यह मूवी 1982 में 3 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 80% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। विधाता 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा निर्मित की गई है। इसमें मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार संजय दत्त और पद्मी कोल्हापुरी हैं। इसमें शमी कपूर संजीव कुमार अमरीश पुरी मदन पुरी सुरेश ओबराय और सारिका सहायक भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म को कन्नड़ में पितामह के रूप में बताया गया था जिसमें रविचंद्र राजेश कुमार उदय कुमार विजयलक्ष्मी सिंह ने मलयालम में अंधकांतली नकरे के रूप में अभिनय किया था जिसमें प्रेम नजीर मधु श्रीविधवा और मुमुटी ने भी अभिनय किया था। इसे तमिल की मामसा मिलाप के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी गणेश के साथ इसे बनाया गया था। विधाता 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। मूवी सुपरहिट रही थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं तथा राइटर सचिन पौनमिक सुभाष घई और केदार खान। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर गुलशन राय हैं। इस मूवी में दिलीप कुमार शमी कपूर संजीव कुमार संजय दत्त पद्मिनी कोल्हापुरी सुरेश ओबराय अमरीश पुरी और सारिका मुख्य लीड रोल में नजर आती है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी कलमेकर रॉय ने की है। मूवी के एडिट कॉमन भोसले और गुरुदत्त ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट तिरुपति फिल्म द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी की मुख्य बात यह है कि इस मूवी का बजट 8 करोड़ का था लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई करी, यानी इस मूवी ने अपनी दुगनी कमाई करी, इसलिए ये मूवी सुपर हिट भी रही है। स्टारिंग शमशेर सिंह यानी दिलीप कुमार और उनके बेटे प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबराय और बहू एक भारतीय गाँव की एक खुशहाल जीवन जीने वाली औरत से शुरू होती है। शमशेर अपने दोस्त
गुरबख्श यानी समूह कपूर के साथ इंजन ड्राइवर का काम करते हैं। प्रताप को गांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रताप द्वारा जगवार और उनकी अवैध गतिविधियों के मदद करने से मना करने के बाद एक कुख्यात स्थानीय तस्कर जगवार चौधरी यानी अमरीश पुरी द्वारा बेरहमी से मारा डाला जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और वह जगवार के कुछ गुंडों को मार डालता है, जिससे उसे अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते हुए देखा था। जब वह जगवार के एक आदमी से उसके बेटे की हत्या के पीछे व्यक्ति के बारे में पूछता वाला होता है तो पुलिस उसे रोक लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। शमशेर सिंह किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुणाल सिंह यानी संजय दत्त को जन्म लेते समय उसकी बहू की मौत हो जाती है। शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल को भी ले जाता है और पुलिस से छिपने के लिए अपना गांव छोड़ देता है। जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में अपने पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शमशेर सिंह एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन सर मिर्जा यानी श्रीराम लालू के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर स्वराज के रूप में उसे एक नई पहचान लेता है। समय के साथ वह एक धनी और शक्तिशाली तस्कर और मिर्जा समूह का अध्यक्ष बन जाता है। इस बीच कुणाल शमशेर के वफादार कर्मचारी अबू अब्बा यानी संजीव कुमार की सख्त निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा यानी पद्मिनी कोल्हापुरी से प्यार हो जाता है, जो एक खूबसूरत झुकी झोपड़ी की लड़की है और शमशेर के पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है। हालांकि चीजें एक बदसूरत मोड़ लेती हैं जब शमशेर सिंह कुणाल को दुर्गा से शादी करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से है। इसके बजाय वह दुर्गा की माँ यानी सुधा सिपुरी को अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ने की चेतावनी देता है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में अपने प्यार को त्यागने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ के साथ एक जहाज में गोवा चली जाती है, जहाँ शमशेर के लोग उसे के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अबू अब्बा उनके बचाव में आते हैं और उन्हें बचाते हैं, लेकिन शमशेर के आदमी द्वारा जगवार की मदद से मार डाला जाता है, जो गोवा का एक शक्तिशाली तस्कर बन गया है। कुणाल अपने अबू के शव को देखकर तबाह हो जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अबू अब्बा की मौत की उसकी जांच के अंत में उसने दादा की असली पहचान और उसके पिता की हत्या के बारे में पता चलता है। इसके बाद जगवार और उसके बीच कांटे की टक्कर चलती है, जिसमें वो शमशेर सिंह की मौत का बदला उससे लेता है। अंडरवर्ल्ड डॉन सर स्वराज को भी मार देता है। उसके बाद वह जगवार को मारकर अपना अंतिम बदला लेता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है, जो अब तक जीवित होती है। अपनी माँ और दुर्गा के परिवार के साथ संजय अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। कास्टिंग की बात करें तो दिलीप कुमार ने शमशेर सिंह का, समी कपूर ने गुरबेश सिंह का यानी शमशेर के फ्रेंड का, संजीव कुमार ने अबू बाबा का, संजय दत्त ने कुणाल सिंह का, पद्मिनी कोल्हापुरी ने दुर्गा का, सारिका ने नीलामी का, अमरीश पुरी ने जगवार चौधरी का, मदन पुरी ने के सिंह का यानी शमशेर असिस्टेंट का, गौतम शरानी ने पौचिन का यानी के संघ का, टॉम एल्टर ने सर डेविड का, सुरेश ओबराय ने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का, शमरीन लाहू ने श्रीराम मिराज का, जगदीप ने पीटर जॉन रिस कोस्टा का, अनिल तान ने मुख्य स्वामी का, बिरबल ने भीमा का, विजय कोटे ने कोल्हापुरी के हस्बैंड का, सुधा सिपुरे ने दुर्गा कुमा का, करिश्मा धावना ने गणपत का और दुर्गा के पिता का, सुधीर ने एक इंडियन एक्टर बल्लू जगवार चौधरी के हैसमैन का, उपरी ने डांस ऑर्गेनाइजर कई सॉन्ग का, उड़ी बाबा मल्होत्रा ने लिली अनिल जगवार की मिस्ट्रेस का, करण ग्रेवाल ने टॉनी का रोल प्ले किया है। इस मूवी को 30 फिल्म प्लेयर अवार्ड मिला तथा इस मूवी को बेस्ट फिल्म प्लेयर अवार्ड के रूप में गोशन कुमार को नॉमिनी किया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए
विभास घाई को, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और शम्मी कपूर को नॉमिनेट किया गया। इस मूवी के साउंड ट्रैक आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। हाथों की चांद लकीरों का अनवर और सुरेश वाडकर द्वारा गाया हुआ गाना है और साथ ही लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना है। प्यार का इम्तिहान आशा भोसले द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत है। सात सतेलियां में हेलमता कांची पद्मिनी कोल्हापुरी शिवाजी कोल्हापुरी किशोर कुमार अरोधा और पौधेवाला और साधना सरगम और अलका याग्निक बड़े बड़े सिंगरों द्वारा गाया हुआ यह एक गाना है जो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये अकेला गाना सिर्फ 9 मिनट का था। इस मूवी का आखिरी सॉन्ग उड़े बाबा आशा भोसले द्वारा गाया हुआ है जो आज भी प्रचलन में है। अभिनेता और निर्देशक यानी शम्मी कपूर की बात करें, जो हिंदी फिल्म के एक बेहतरीन अभिनेता हैं। उन्हें जंगली तमसान नहीं देखा, दिल देखो देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंदिर, अंदाज, इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। शम्मी कपूर का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर जाने माने अभिनेता थे। अभिनय इनके विरासत में मिला था। शम्मी कपूर की पहली शादी अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी, लेकिन 1964 में चेचक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी करी। 14 अगस्त 2011 की सुबह 5 बजे इनका निधन हो गया। साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति के बतौर अभिनेता शम्मी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और शम्मी की शुरुआती फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डब्बा और कुल शनोवार थी। शम्मी कपूर ने मुख्य अभिनेता के तौर पर 50 से अधिक फिल्में की थी और सहायक भूमिका में 20 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। शम्मी कपूर ने 2006 में सैंडविच, 2002 में वाह तेरा क्या कहना, 2001 में सेंसा, 99 में जाना समझा करो, 1998 में करीब, 1998 में ढूंढते रह जाओगे, 1997 में और प्यार हो गया, 1997 में शेयर बाजार, 1996 में मेघा और प्रेम ग्रंथ, नमक, प्रॉपर, डांसर जैसी फिल्में की हैं। 1994 में प्रेम का रोग, प्रेम का योग, विवेकानंद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं। 1993 में तुम करो याद, आज मेजान, गर्दिश जैसी फिल्में की हैं। वहीं 1992 में हमशक्ल, गुलेआम, तहलका, चमत्कार, हीरा मांझा जैसी फिल्में की हैं। 1991 में मस्त कलंदर, अजूबा, लक्ष्मण रेखा, बड़े घर की बेटी जैसी फिल्में हुई हैं। वहीं 1989 में बंटवारा में बड़े ठाकुर का रोल प्ले किया है। 1987 में हिम्मत और मेहनत में विजय के पिता का रोल प्ले किया है। 1986 में काला धंधा गोरे लोग में विशेष भूमिका निभाई है। 1985 में बादल में ठाकुर शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1986 में करमदाता और अल्लाह रुखा में इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। 1982 में देश प्रेमी में शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1982 में विधाता में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। 1982 में इन्होंने तहलका, वहीं 1981 में आहिस्ता आहिस्ता में सागर का रोल प्ले किया है। 1981 में एक और फिल्म आई हरजाई में भी उन्होंने राजनाथ का रोल प्ले किया। 1997 में इन्होंने अंदाज में रवि का रोल प्ले किया है। वहीं 1969 में इन्होंने अशोक का रोल प्ले किया है। 1968 में ब्रह्मचारी में इन्होंने एक ब्रह्मचारी का रोल प्ले किया है, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने ब्रह्मचारी, लाट साहब, तीसरी मंदिर, राजकुमार, प्यार किया तो डरना क्या, दिल तेरा दीवाना, प्रोफेसर, जंगली बॉयफ्रेंड, दिल देख देखो, चार दिल चार राही, तुमसा नहीं देखा, नेम साहिब, आप, जोर बजा, जीवन ज्योति और रेल का डब्बा जैसी बहुत सी मनोरंजक फिल्में की हैं जो लोगों को आज भी बहुत पसंद आती हैं। ऐसे आप सभी को किसी और मूवी का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अपने फेवरेट एक्टर राज कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन
रिवॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो सभी? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है विधाता। यह मूवी 1982 में 3 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुहास कही हैं। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 80% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। विधाता 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जो सुहास कही द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा निर्मित की गई है। मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी हैं। इसमें शमी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबराय और सारिका सहायक भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म को कन्नड़ में पितामह के रूप में बताया गया था, जिसमें रविचंद्र, राजेश कुमार, उदय कुमार, विजयलक्ष्मी सिंह ने मलयालम में अंधकांतली नकरे के रूप में अभिनय किया था, जिसमें प्रेम नजीर, मधु, श्री विधवा और मुमुटी ने भी अभिनय किया था। इसे तमिल की मामसा विलाप के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी गणेश के साथ इसे बनाया गया था। विधाता 1982 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जब मुद्रा के लिए समायोजित किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। मूवी सुपर हिट रही थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष गई हैं तथा राइटर सचिन बोनमिक, सुभाष गई और केदार खान हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर गुलशन राय। इस मूवी में दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबराय, अमरीश पुरी और सारिका मुख्य लीड रोल में नजर आती है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी फिल्मेकर रॉय ने की है। मूवी के एडिट कॉमन भोसले और गुरुदत्त सिंह ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट तिरुपति फिल्म द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी की मुख्य बात यह है कि इस मूवी का बजट 8 करोड़ का था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई करी, यानी इस मूवी ने अपनी दुगनी कमाई करी, इसलिए ये मूवी सुपर हिट भी रही है। स्टारिंग शमशेर सिंह यानी दिलीप कुमार और उनके बेटे प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबराय और बहू एक भारतीय गांव की एक खुशहाल जीवन जीने वाली औरत से शुरू होती है। शमशेर अपने दोस्त गुरबख्श सिंह यानी समूह कपूर के साथ इंजन ड्राइवर का काम करते हैं। प्रताप को गांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रताप द्वारा जगवार और उसकी अवैध गतिविधियों के मदद करने से मना करने के बाद एक कुख्यात स्थानीय तस्कर जगवार चौधरी यानी अमरीश पुरी द्वारा बेरहमी से मारा जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और वह जगवार के कुछ गुंडों को मार डालता है, जिससे उसे अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते हुए देखा था। जब वह जगवार के एक आदमी से उसके बेटे की हत्या के पीछे व्यक्ति के बारे में पूछता वाला होता है तो पुलिस उसे रोक लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। शमशेर सिंह इसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुणाल सिंह यानी संजय दत्त को जन्म देते समय उसकी बहू की मौत हो जाती है। शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल को भी ले जाता है और पुलिस से छिपने के लिए अपना गांव छोड़ देता है। जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में अपने पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शमशेर सिंह एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन सर सरपिचिया यानी श्रीराम लालू के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर स्वराज के रूप में उसे एक नई पहचान देता है। समय के साथ वह एक धनी और शक्तिशाली तस्कर और पिचिया समूह का अध्यक्ष बन जाता है। शमशेर के वफादार कर्मचारी अबू अब्बा यानी संजीव कुमार की सख्त निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा यानी पद्मी कोल्हापुरी से प्यार हो जाता है, जो एक खूबसूरत झुकी झोपड़ी की लड़की है और शमशेर के पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है।
अलग ही चीजें एक बदसूरत मोड़ लेती है जब शमशेर सिंह करनाल को दुर्गा से शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से है। इसके बजाय वह दुर्गा की माँ यानी सुधा सिपुरी को अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ने की चेतावनी देता है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन बाद में अपने प्यार को त्यागने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ के साथ एक जहाज में गोवा चली जाती है जहाँ शमशेर के लोग उसे के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अबू अब्बा उनके बचाव में आते हैं और उन्हें बचाते हैं लेकिन शमशेर के आदमी द्वारा जगवान की मदद से मार डाला जाता है जो गोवा का एक शक्तिशाली तस्कर बन गया है। कुनाल अपने अबू के शव को देखकर तबाह हो जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अबू अब्बा की मौत की उसकी जांच के अंत में उसने दादा की असली पहचान और उसके पिता के हत्यारे के बारे में पता चलता है। इसके बाद जयपुर और उसके बीच कांटे की टक्कर चलती है जिसमें वो शमशेर सिंह की मौत का बदला से लेता है। स्वराज को भी मार लेता है। उसके बाद वह जगवार को मारकर अपना अंतिम बदला लेता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है जो अब तक जीवित होती है। अपनी माँ और दुर्गा के परिवार के साथ संजय अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। ये कास्टिंग की बात करें तो दिलीप कुमार ने शमशेर सिंह का, शमी कपूर ने गुरबेज सिंह का यानी शमशेर के फ्रेंड का, संजीव कुमार ने अबू बाबा का, संजय दत्त ने कुणाल सिंह का, पद्मिनी कोल्हापुरी ने दुर्गा का, सारिका ने नीलामी का, अमरीश पुरी ने जगवार चौधरी का, मदन पुरी ने के सिंह का यानी सबसे का, गौतम शरानी ने पोचिंग का यानी के सिंह का, टॉम एल्टर ने सर डेविड का, सुरेश ओबराय ने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का, शमरीन लाहौल ने श्रीराम मिराज का, दीप ने पीटर जॉन डिस्कोस्टा का, अनिल खान ने नित्य स्वामी का, बिरबल ने भीमा का, विजय कोटे ने कोल्हापुरी के हस्बैंड का, सुधा सिपुरे ने दुर्गा की माँ का, करिश्मा धावना ने गणपत का और दुर्गा के पिता का, सुधीर ने एक इंडियन एक्टर बंधु जगवार चौधरी के हस्बैंड का, सुधीर ने डांस ऑर्गेनाइजर कई सॉन्ग का, पूरी बाबा मल्होत्रा ने लिली अनिल जगवार की मिस्ट्रेस का, अनिल ग्रेवाल ने टोनी का रोल प्ले किया है। इस मूवी को 30 फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस मूवी को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में गुलशन कुमार को नॉमिनी किया गया, वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए विभास घाई को, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और शमी कपूर को नॉमिनेट किया गया। इस मूवी के साउंड ट्रैक आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। हाथों की चांद लकीरों का अनवर और सुरेश वाडकर द्वारा गाया हुआ गाना है और साथ ही लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना है। प्यार का इम्तिहान आशा भोसले द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत है। सात सतेलिया में हेलमता कांचे, पद्मिनी कोल्हापुरी, शिवाजी कोल्हापुरी, किशोर कुमार अरोधा और पौधेवाला और साधना सरगम और अलका याग्निक इन बड़े बड़े द्वारा गाया हुआ यह एक गाना है जो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये अकेला गाना सिर्फ 9 मिनट का था। इस मूवी का आखिरी सॉन्ग उड़ी बाबा आशा भोसले द्वारा गाया हुआ है जो आज भी प्रचलन में है। इस मूवी के अभिनेता और निर्देशक यानी समीर कपूर की बात करें जो हिंदी फिल्म के एक बेहतरीन अभिनेता है, उन्हें जंगली तमसान नहीं देखा, दिल देखो देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंदिर, अंदाज, टीम इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। शमी कपूर का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर जाने माने अभिनेता थे। अभिनय इनके विरासत में मिला था। शमी कपूर की पहली शादी अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी लेकिन 1964 में चेचक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शमी कपूर ने नीला देवी से शादी की। 14 अगस्त 2011 की
सुबह 5 बजे उनका निधन हो गया। साल 1953 में हिंदी फिल्म जीवन ज्योति के बतौर अभिनेता शम्मी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और शम्मी की शुरुआती फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डब्बा और गुल शनोपार थी। शम्मी कपूर ने मुख्य अभिनेता के तौर पर 50 से अधिक फिल्में की थी और सहायक भूमिका में 20 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म कर्मचारी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। शम्मी कपूर ने 2006 में सैंडविच, 2002 में बात है क्या है ना, 2001 में सेंसर, 99 में जाना समझा करो, 1998 में करीब, 1998 में ढूंढते रह जाओगे, 1997 में और प्यार हो गया, 1997 में शेयर बाजार, 1996 में मेगा और प्रेम करण, नमक, रॉकर, डांसर जैसी फिल्में की हैं। 1994 में प्रेम का रोग, प्रेम का योग, विवेकानंद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं। 1993 में तुम करो याद, आज मैं जान, गर्दिश जैसी फिल्में की हैं। वहीं 1992 में हमशक्ल, गुलेआम, तहलका, चमत्कार, हीरा मांझा जैसी फिल्में की हैं। 1991 में मस्त कलंदर, अजूबा, लक्ष्मण रेखा, बड़े घर की बेटी जैसी फिल्में हुई हैं। वहीं 1989 में बंटवारा में बड़े ठाकुर का रोल प्ले किया है। 1987 में हिम्मत और मेहनत में विजय के पिता का रोल प्ले किया है। 1986 में काला धंधा गोरे रूप में विशेष भूमिका निभाई है। 1985 में बादल में ठाकुर शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1986 में करमदाता और अल्लाह रुखान में इन्होंने अपना बेहतरीन रोल दिया है। 1982 में देश प्रेमी में शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1982 में विधाता में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। 1982 में इन्होंने तहलका, वहीं 1981 में आहिस्ता आहिस्ता में सागर का रोल प्ले किया है। 1981 में एक और फिल्म आई हरजाई में भी उन्होंने राजनाथ का रोल प्ले किया। 1997 में इन्होंने अंदाज में रवि का रोल प्ले किया है। वहीं 1969 में इन्होंने अशोक का रोल प्ले किया है, वो भी संजय मूवी में। 1968 में ब्रह्मचारी में इन्होंने एक ब्रह्मचारी का रोल प्ले किया है, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने प्रिंस ब्रह्मचारी, लाड साहब, तीसरी मंजिल, राजकुमार, प्यार किया तो डरना क्या, दिल दया दीवाना, प्रोफेसर, जंगली बॉयफ्रेंड, दिल देख देखो, चार दिल चार राही, तुमसा नहीं देखा, नीम साहिब, आप, जोर बजा, जीवन ज्योति और रेल का डब्बा जैसी बहुत सी मनोरंजक फिल्में की हैं जो लोगों को आज भी बहुत पसंद आती हैं। गाइस, आप सब लोग एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताए अपने फेवरेट एक्सप्लेन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपकी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है विधाता। यह मूवी 1982 में 3 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 80% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया। विधाता 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा निर्मित की गई है। इसमें मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मी कोल्हापुरी हैं। इसमें शम्मी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका सहायक भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म को कन्नड़ में पितामह के रूप में बताया गया था, जिसमें रविचंद्र, राजेश कुमार, उदय कुमार, विजयलक्ष्मी सिंह ने मलयालम में अंधकांगली नकले के रूप में अभिनय किया था, जिसमें प्रेम नजीर, मधु, श्री विधवा और मुमुटी ने भी अभिनय किया था। इसे तमिल की मामसा विलाक के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी गणेश के साथ इसे बनाया गया था। विधाता 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। तो मूवी सुपरहिट रही थी।
गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं तथा राइटर सचिन कौनमिक, सुभाष घई और केदार खान। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर गुलशन राय हैं। इस मूवी में दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबेरॉय, अमरीश पुरी और सारिका मुख्य लीड रोल में नजर आती हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी कलमेकर रॉय ने की, मूवी के एडिट वामन भोसले और गुरुदत्त सिडले ने किए हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट तिरुपति फिल्म द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। इस मूवी की मुख्य बात यह है कि इस मूवी का बजट 8 करोड़ का था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई करी, यानी इस मूवी ने अपनी दुगनी कमाई करी, इसलिए ये मूवी सुपर हिट भी रही है। स्टारिंग शमशेर सिंह यानी दिलीप कुमार और उनके बेटे प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबेरॉय और बहू एक भारतीय गांव की एक खुशहाल जीवन जीने वाली औरत से शुरू होती है। शमशेर अपने दोस्त गुरबख सिंह यानी समूह कपूर के साथ इंजन ड्राइवर का काम करते हैं। प्रताप को गांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रताप द्वारा जगवार और उनकी अवैध गतिविधियों के मदद करने से मना करने के बाद एक कुख्यात स्थानीय तस्कर जगवार चौधरी यानी अमरीश पुरी द्वारा बेरहमी से मारा डाल जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और वह जगवार के कुछ गुंडों को मार डालता है, जिससे उसे अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते हुए देखा था। जब वह जगवार के एक आदमी से उसके बेटे की हत्या के पीछे व्यक्ति के बारे में पूछता वाला होता है तो पुलिस उसे रोक लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। शमशेर सिंह किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुणाल सिंह यानी संजय दत्त को जन्म लेते समय उसकी बहू की मौत हो जाती है। शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल को भी ले जाता है और पुलिस से छिपने के लिए अपना गांव छोड़ देता है। जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में अपने पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शमशेर सिंह एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन सर मिर्चा यानी श्रीराम लालू के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर स्वराज के रूप में उसे एक नई पहचान देता है। समय के साथ वह एक धनी और शक्तिशाली तस्कर और मिर्चा समूह का अध्यक्ष बन जाता है। इस बीच कुणाल शमशेर के वफादार कर्मचारी अबू अब्बा यानी संजीव कुमार की सख्त निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा यानी पद्मिनी कोल्हापुरी से प्यार हो जाता है, जो एक खूबसूरत झुग्गी झोपड़ी की लड़की है और शमशेर के पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है। हालांकि चीजें एक बदसूरत मोड़ लेती है जब शमशेर सिंह कुणाल को दुर्गा से शादी करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से है। इसके बजाय वह दुर्गा की माँ यानी सुधा सिपुरी को अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ने की चेतावनी देता है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में अपने प्यार को त्यागने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ के साथ एक जहाज में गोवा चली जाती है, जहाँ शमशेर के लोग उसे के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अबू अब्बा उनके बचाव में आते हैं और उन्हें बचाते हैं, लेकिन शमशेर के आदमी द्वारा जगवार की मदद से मार डाला जाता है, जो गोवा का एक शक्तिशाली तस्कर बन गया है। कुणाल अपने अबू के शव को देखकर तबाह हो जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अबू अब्बा की मौत की उसकी जांच के अंत में उसने दादा की असली पहचान और उसके पिता की हत्या के बारे में पता चलता है। इसके बाद जगवार और उसके बीच कांटे की टक्कर चलती है, जिसमें वो शमशेर सिंह की मौत का बदला से लेता है। अंडरवर्ल्ड डॉन सर स्वराज को भी मार देता है। उसके बाद वह जगवार को मारकर अपना अंतिम बदला लेता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है जो अब तक जीवित होती है। अपनी माँ और दुर्गा के परिवार के साथ संजय अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और यहीं इस मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो दिलीप कुमार ने शमशेर सिंह का, शमी कपूर ने गुरबेश सिंह का यानी शमशेर के फ्रेंड का, संजीव कुमार ने अबू बाबा का, संजय दत्त ने कुणाल सिंह का, पद्मिनी कोल्हापुरी ने दुर्गा का, सारिका ने नीलामी का,
अमरीश पुरी ने जगवार चौधरी का, मदन पुरी ने के सिंह का यानी सब शमशेर असिस्टेंट का, गौतम शरानी ने पॉचिंग का यानी के संघ का, टॉम एल्टर ने सर डेविड का, सुरेश ओबराय ने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का, शमरीम लाहौन ने सिराम मिराज का, जगदीप ने पीटर जॉन डिकॉस्टा का, अनिल खान ने स्वामी का, बिरबल ने भीमा का, विजय कोटे ने कोल्हापुरी के हस्बैंड का, सुधा सिंहपुरी ने दुर्गा की माँ का, करिश्मा धावना ने गणपत का और दुर्गा के पिता का, सुधीर ने एक इंडियन एक्टर बल्लू जगवार चौधरी के हस्बैंड का, सुधीर ने डांस ऑर्गेनाइजर कई सॉन्ग का, सुधीर बाबा मल्होत्रा ने लिली अनी जगवार की मिस्ट्रेस का, ग्रेवाल ने टॉमी का रोल प्ले किया है। इस मूवी को 30 फिल्म फेयर अवार्ड मिला तथा इस मूवी को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में गोशन कुमार को नॉमिनी किया गया, वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए विभास घाई को, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और शम्मी कपूर को नॉमिनेट किया गया। मूवी के साउंड ट्रैक भी लोगों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं, हाथों की चांद लकीरों का अनवर और सुरेश वाडकर द्वारा गाया हुआ गाना है और साथ ही आप लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना है। प्यार का इम्तिहान आशा भोसले द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत है। सात सत्येलियां में हेलमता कांचे, पद्मिनी कोल्हापुरी, शिवाजी कोल्हापुरी, किशोर कुमार अरोधा और पौधेवाला और साधना सरगम और अलका याग्निक बड़े बड़े सिंगरों द्वारा गाया हुआ यह एक गाना है जो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये अकेला गाना सिर्फ 9 मिनट का था। इस मूवी का आखिरी सॉन्ग उड़ी बाबा आशा भोसले द्वारा गाया हुआ है जो आज भी प्रचलन में है। इस मूवी के अभिनेता और निर्देशक यानी समीर कपूर की बात करें जो हिंदी फिल्म के एक बेहतरीन अभिनेता है, उन्हें जंगली तमसान नहीं देखा, दिल देखो देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंदिर, अंदाज, कीमत, इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। समी कपूर का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर जाने माने अभिनेता थे, अभिनय इनके विरासत में मिला था। समी कपूर की पहली शादी अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी, लेकिन 1964 में चेचक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात समी कपूर ने नीता देवी से शादी कर ली। 14 अगस्त 2011 की सुबह 5 बजे इनका निधन हो गया। साल 1993 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति के बतौर अभिनेता समी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और समी की शुरुआती फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डब्बा और कुछ क्षणों पार थी। समी कपूर ने मुख्य अभिनेता के तौर पर 50 से अधिक फिल्में की थी और सहायक भूमिका में 20 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। समी कपूर ने 2006 में एक्साइटेड, 2002 में बात है क्या कहना, 2001 में सेंसर, 99 में जाना समझा करो, 1998 में करीब, 1998 में ढूंढते रह जाओगे, 1997 में और प्यार हो गया, 1997 में शेयर बाजार, 1996 में मेघा और प्रेम करण, नमक, रॉकर, डांसर जैसी फिल्में की हैं, 1994 में प्रेम का रोग, प्रेम का योग, विवेकानंद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं, 1993 में तुम करो याद, आज मेजान, गर्दिश जैसी फिल्में की हैं, वहीं 1992 में हमशक्ल, खुलेआम, तहलका, चमत्कार, हीरा मांझा जैसी फिल्में की हैं। 1991 में मस्त कलंदर, अजूबा, लक्ष्मण रेखा, बड़े घर की बेटी जैसी फिल्में हुई हैं। वहीं 1989 में बंटवारा में बड़े ठाकुर का रोल प्ले किया है। 1987 में हिम्मत और मेहनत में विजय के पिता का रोल प्ले किया है। 1986 में काला धंधा गोरे लोग में विशेष भूमिका निभाई है। 1985 में बादल में ठाकुर शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1986 में करमदाता और अल्लाह रुखा में इन्होंने अपना बेहतरीन रोल किया है। 1982 में देश प्रेमी में शमशेर सिंह
का रोल प्ले किया है। वहीं 1982 में विधाता में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। 1982 में इन्होंने तहलका, वहीं 1981 में आहिस्ता आहिस्ता में सागर का रोल प्ले किया है। 1981 में एक और फिल्म आई हरजाई में भी उन्होंने राजनाथ का रोल प्ले किया। 1997 में इन्होंने अंदाज में रवि का रोल प्ले किया है। वहीं 1969 में इन्होंने अशोक का रोल प्ले किया है, वो भी सच्चाई मूवी में। 1968 में ब्रह्मचारी में इन्होंने एक ब्रह्मचारी का रोल प्ले किया है, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने प्रिंस, ब्रह्मचारी, लाट साहब, तीसरी मंजिल, राजकुमार, प्यार किया तो डरना क्या, दया दीवाना, प्रोफेसर, जंगली बॉयफ्रेंड, दिल देख देखो, चार दिल चार राहे, तुमसा नहीं देखा, नेम साहिब, आप और बजा, जीवन ज्योति और रेल का डब्बा जैसी बहुत सी मनोरंजक फिल्में की हैं जो लोगों को आज भी बहुत पसंद आती हैं। आप सभी को इस और एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप अपने फेवरेट एक्टर एक्सप्लेन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है विधाता। यह मूवी 1982 में 3 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 80% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। विधाता 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा निर्मित की गई है। इसमें मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मी कोल्हापुरी हैं। इसमें शमी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबराय और सारिका सहायक भूमिका में नजर आती है। फिल्म को कन्नड़ में पितामह के रूप में बताया गया था, जिसमें रविचंद्र, राजेश कुमार, उदय कुमार, विजयलक्ष्मी सिंह ने मलयालम में अंधकांतली नकरे के रूप में अभिनय किया था, जिसमें प्रेम नजीर, मधु, श्री विधवा और उमुटी ने भी अभिनय किया था। इसे तमिल की मामसा विलाप के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी गणेश के साथ इसे बनाया गया था। विधाता 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। तो मूवी सुपर हिट रही थी। ऐसे एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं तथा राइटर सचिन बोनमिक, सुभाष घई और केदार खान हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर गुलशन राय हैं। इस मूवी में दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबराय, अमरीश पुरी और सारिका मुख्य लीड रोल में नजर आती है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी फिल्मेकर रॉय ने की है। वामन भोसले और गुरु सिंह ने लिखी है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट तिरुपति फिल्म द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी की मुख्य बात यह है कि इस मूवी का बजट 8 करोड़ का था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई करी, यानी इस मूवी ने अपनी दुगनी कमाई करी, इसलिए ये मूवी सुपर हिट भी रही है। स्टार्टिंग शमशेर सिंह यानी दिलीप कुमार और उनके बेटे प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबराय और बहू एक भारतीय गांव की एक खुशहाल जीवन जीने वाली औरत से शुरू होती है। शमशेर अपने दोस्त गुरबख्श यानी समूह कपूर के साथ इंजन ड्राइवर का काम करते हैं। प्रताप को गांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रताप द्वारा जगवार और उनकी अवैध गतिविधियों के मदद करने से मना करने के बाद एक कुख्यात स्थानीय तस्कर जगवार चौधरी यानी अमरीश पुरी द्वारा बेरहमी से मारा डाला जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और वह जगवार के कुछ गुंडों को मार डालता है, जिससे उसे अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते हुए देखा था। जब वह जगवार के एक आदमी से उसके बेटे की हत्या के पीछे
व्यक्ति के बारे में पूछता वाला होता है तो पुलिस उसे रोक लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। शमशेर सिंह किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुणाल सिंह यानी संजय दत्त को जन्म लेते समय उसकी बहू की मौत हो जाती है। शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल को भी ले जाता है और पुलिस से छिपने के लिए अपना गांव छोड़ देता है। जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में अपने पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शमशेर सिंह एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन सर मिर्चा यानी श्री राम लालू के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर स्वराज के रूप में उसे एक नई पहचान लेता है। समय के साथ वह एक धनी और शक्तिशाली तस्कर और मिर्चा समूह का अध्यक्ष बन जाता है। इस बीच कुणाल शमशेर के वफादार कर्मचारी अबू अब्बा यानी संजीव कुमार की सख्त निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा यानी पद्मी कोल्हापुरी से प्यार हो जाता है जो एक खूबसूरत झुग्गी झोपड़ी की लड़की है और शमशेर के पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है। हालांकि चीजें एक बदसूरत मोड़ लेती है जब शमशेर सिंह कुणाल को दुर्गा से शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से है। इसके बजाय वह दुर्गा की माँ यानी सुधा सिपुरी को अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ने की चेतावनी देता है अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन बाद में अपने प्यार को त्यागने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ के साथ एक जहाज में गोवा चली जाती है जहाँ शमशेर के लोग उसे के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अबू अब्बा उनके बचाव में आते हैं और उन्हें बचाते हैं लेकिन शमशेर के आदमी द्वारा जगवार की मदद से मार डाला जाता है जो गोवा का एक शक्तिशाली तस्कर बन गया है। कुणाल अपने अबू के शव को देखकर तबाह हो जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अबू अब्बा की मौत की उसकी जांच के अंत में उन्हें दादा की असली पहचान और उसके पिता की हत्या के बारे में पता चलता है। इसके बाद जगवार और उसके बीच कांटे की टक्कर चलती है जिसमें वो शमशेर सिंह की मौत का बदला से लेता है। अंडरवर्ल्ड डॉन स्वराज को भी मार देता है। उसके बाद वह जगवार को मारकर अपना अंतिम बदला लेता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है जो अब तक जीवित होती है। अपनी माँ और दुर्गा के परिवार के साथ संजय अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और यही इस मूवी का डी एंड हो जाता है। कास्टिंग की बात करें तो दिलीप कुमार ने शमशेर सिंह का, शमी कपूर ने गुरबेश सिंह का यानी शमशेर के फ्रेंड का, संजीव कुमार ने अबू बाबा का, संजय दत्त ने कुणाल सिंह का, पद्मिनी कोल्हापुरी ने दुर्गा का, सारिका ने नीलामी का, अमरीश पुरी ने जगवार चौधरी का, मदन पुरी ने के सिंह का यानी शमशेर असिस्टेंट का, गौतम शरानी ने पोचिंग का यानी के संघ का, टॉम एल्टर ने सर डेविड का, सुरेश ओबरॉय ने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का, शमरीन लाहौन ने श्रीराम मिराज का, जगदीप ने पीटर जॉन क्रिस कोस्टा का, अनिल कानन ने मुत्तु स्वामी का, बिरबल ने भीमा का, विजय कोटे ने कोल्हापुरी के हस्बैंड का, सुधा सिपुरे ने दुर्गा की माँ का, करिश्मा धावना ने गणपत का और दुर्गा के पिता का, सुधीर ने एक इंडियन एक्टर मल्लू जगवार चौधरी के हस्बैंड का, सुक्री ने डांस ऑर्गेनाइजर कई सॉन्ग का, सूरी बाबा मल्होत्रा ने लिली हनी जगवार की मिस्ट्रेस का, अंग्रेवान ने टोनी का रोल प्ले किया है। इस मूवी को 30 फिल्म फेयर अवार्ड मिला तथा इस मूवी को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में गोशन कुमार को नॉमिनी किया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए विभास गायक को, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और शम्मी कपूर को नॉमिनेट किया गया। इस मूवी के साउंड ट्रैक आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। हाथों की चांद लकीरों का अनवर और सुरेश वाडकर द्वारा गाया हुआ गाना है और साथ ही लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना है। प्यार का इम्तिहान आशा भोसले द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत है। सात सतेलियां में हेलमता कांचे, पद्मिनी कोल्हापुरी, शिवाजी कोल्हापुरी, किशोर कुमार अरोधा और पौधेवाला और साधना सरगम और अलका याग्निक, इन बड़े बड़े सिंगरों द्वारा गाया हुआ यह एक गाना है जो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये अकेला गाना सिर्फ 9 मिनट का था। ये
इस मूवी का आखिरी सॉन्ग बूढ़ी बाबा आशा भोसले द्वारा गाया हुआ है, जो आज भी प्रचलन में है। इस मूवी के अभिनेता और निर्देशक यानी समीर कपूर की बात करें, जो हिंदी फिल्म के एक बेहतरीन अभिनेता हैं, उन्हें जंगली शमशान नहीं देखा, दिल देखो देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंदिर, अंदाज, गेम इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। समी कपूर का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर जाने माने अभिनेता थे। अभिनय इनके विरासत में मिला था। शमी कपूर की पहली शादी अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी, लेकिन 1964 में चेचक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शमी कपूर ने नीला देवी से शादी करी। 14 अगस्त 2011 की सुबह 5 बजे इनका निधन हो गया। साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति के बतौर अभिनेता शमी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और शमी की शुरुआती फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डब्बा और कुल क्षणों पार थी। शमी कपूर ने मुख्य अभिनेता के तौर पर 50 से अधिक फिल्में की थी और सहायक भूमिका में 20 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। शमी कपूर ने 2006 में साइंटिस्ट, 2002 में बात है क्या कहना, 2001 में सेंसर, 1999 में जाना समझा करो, 1998 में करीब, 1998 में ढूंढते रह जाओगे, 1997 में और प्यार हो गया, 1997 में शेयर बाजार, 1996 में मेघा और प्रेम करण, नमक, रॉकर, डांसर जैसी फिल्में की हैं। 1994 में प्रेम का रोग, प्रेम का योग, विवेकानंद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं। 1993 में तुम करो याद, आज बेजान, गर्दिश जैसी फिल्में की हैं। वहीं 1992 में हमशकल, खुलेआम, पहलका, चमत्कार, हीरा मांझा जैसी फिल्में की हैं। 1991 में मस्त कलंदर, अजूबा, लक्ष्मण रेखा, बड़े घर की बेटी जैसी फिल्में हुई हैं। वहीं 1989 में बंटवारा में बड़े ठाकुर का रोल प्ले किया है। 1987 में हिम्मत और मेहनत में विजय के पिता का रोल प्ले किया है। 1986 में काला धंधा गोरे लोग में विशेष भूमिका निभाई है। 1985 में बादल में ठाकुर शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1986 में करमदाता और अल्लाह रुखना में इन्होंने अपना बेहतरीन रोल किया है। 1982 में देश प्रेमी में शमशेर सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1982 में विधाता में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। 1982 में इन्होंने तहलका, वहीं 1981 में आहिस्ता आहिस्ता में सागर का रोल प्ले किया है। 1981 में एक और फिल्म आई हरजाई में भी उन्होंने राजनाथ का रोल प्ले किया। 1997 में इन्होंने अंदाज में रवि का रोल प्ले किया है। वहीं 1969 में इन्होंने अशोक का रोल प्ले किया है, वो भी सच्चाई मूवी में। 1968 में ब्रह्मचारी में इन्होंने एक ब्रह्मचारी का रोल प्ले किया है, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने प्रिंस, ब्रह्मचारी, लाड साहब, तीसरी मंजिल, राजकुमार, प्यार किया तो डरना क्या, दिल तेरा दीवाना, प्रोफेसर, जंगली बॉयफ्रेंड, दिल देख देखो, चार दिल चार राही, तुमसा नहीं देखा, नेम साहिब, आप, जोर बजा, जीवन ज्योति और रेल का डब्बा जैसी बहुत सी मनोरंजक फिल्में की हैं जो लोगों को आज भी बहुत पसंद आती हैं। गाइस, आप सभी के सॉन्ग का एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप अपने फेवरेट एक्टर एक्सप्लेन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो सभी। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है विधाता। यह मूवी 1982 में 3 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं। इस मूवी की आईएमडी रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 80% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। विधाता 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा निर्मित की गई है। इस
मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी हैं। इसमें शमी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका सहायक भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म को कन्नड़ में पितामह के रूप में बताया गया था, जिसमें रविचंद्र, राजेश कुमार, उदय कुमार, विजयलक्ष्मी सिंह ने मलयालम में अंधकांतली नगरे के रूप में अभिनय किया था, जिसमें प्रेम नजीर, मधु श्रीविधवा और अमूरी ने भी अभिनय किया था। इसे तमिल की मामसा विलाक के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी गणेश के साथ इसे बनाया गया था। विधाता 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जब मुद्रा के लिए समायोजित किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। मूवी सुपर हिट रही थी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं तथा राइटर सचिन पौनमिक, सुभाष घई और केदार खान हैं। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर गुलशन राय हैं। इस मूवी में दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबेरॉय, अमरीश पुरी और सारिका मुख्य लीड रोल में नजर आती हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी कलमेकर रॉय ने की है। मूवी के एडिट वामन भोसले और गुरुदत्त सिडने ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट तिरुपति फिल्म द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी की मुख्य बात यह है कि इस मूवी का बजट 8 करोड़ का था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई करी, यानी इस मूवी ने अपनी दुगनी कमाई करी, इसलिए ये मूवी सुपर हिट भी रही है। स्टारिंग शमशेर सिंह यानी दिलीप कुमार और उनके बेटे प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबेरॉय और बहू एक भारतीय गाँव की एक खुशहाल जीवन जीने वाली औरत से शुरू होती है। शमशेर अपने दोस्त गुरबख सिंह यानी समूह कपूर के साथ इंजन ड्राइवर का काम करते हैं। प्रताप को गांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रताप द्वारा जगवार और उसकी अवैध गतिविधियों के मदद करने से मना करने के बाद एक कुख्यात स्थानीय तस्कर जगवार चौधरी यानी अमरीश पुरी द्वारा बेरहमी से मारा डाला जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और वह जगवार के कुछ गुंडों को मार डालता है, जिससे उसे अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते हुए देखा था। जब वह जगवार के एक आदमी से उसके बेटे की हत्या के पीछे व्यक्ति के बारे में पूछता वाला होता है तो पुलिस उसे रोक लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। शमशेर सिंह किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुणाल सिंह यानी संजय दत्त को जन्म देते समय उसकी बहू की मौत हो जाती है। शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल को भी ले जाता है और पुलिस से छिपने के लिए अपना गांव छोड़ देता है, जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में। अपने पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शमशेर सिंह एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन सर मिर्जा यानी श्रीराम लालू के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर स्वराज के रूप में उसे एक नई पहचान देता है। समय के साथ वह एक धनी और शक्तिशाली तस्कर और मिर्जा समूह का अध्यक्ष बन जाता है। शमशेर के वफादार कर्मचारी अबू अब्बा यानी संजीव कुमार की सख्त निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा यानी पद्मी कोल्हापुरी से प्यार हो जाता है, जो एक खूबसूरत झुकी झोपड़ी की लड़की है और शमशेर के पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है। हालांकि चीजें एक बदसूरत मोड़ लेती है जब शमशेर सिंह कुणाल को दुर्गा से शादी करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से है। इसके बजाय वह दुर्गा की माँ यानी सुधा सिपुरी को अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ने की चेतावनी देता है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में अपने प्यार को त्यागने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ के साथ एक जहाज में गोवा चली जाती है, जहाँ शमशेर के लोग उसे के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अबू अब्बा उनके बचाव में आते हैं और उन्हें बचाते हैं, लेकिन शमशेर के आदमी द्वारा जगवार की मदद से मार डाला जाता है, जो गोवा का एक शक्तिशाली तस्कर बन गया है।
कोनान अपने अबू के शव को देखकर तबाह हो जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अबू अब्बा की मौत की उसकी जांच के अंत में अपने दादा की असली पहचान और उसके पिता के हत्यारे के बारे में पता चलता है। इसके बाद जयबार और उसके बीच कांटे की टक्कर चलती है, जिसमें वो शमशेर सिंह की मौत का बदला से लेता है। अंडरवर्ल्ड डॉन सोबराज को भी मार देता है। इसके बाद वह जगवार को मारकर अपना अंतिम बदला लेता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है जो अब तक जीवित होती है। अपनी माँ और दुर्गा के परिवार के साथ संजय अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और यही इस मूवी का डी एंड हो जाता है। ये कास्टिंग की बात करें तो दिलीप कुमार ने शमशेर सिंह का, शमी कपूर ने गुरप्रीत सिंह का यानी शमशेर के फ्रेंड का, संजीव कुमार ने अबू बाबा का, संजय दत्त ने कुणाल सिंह का, पद्मिनी कोल्हापुरी ने दुर्गा का, सारिका ने नीलामी का, अमरीश पुरी ने जगवार चौधरी का, मदन पुरी ने के सिंह का यानी शमशेर असिस्टेंट का, गौतम शरानी ने पोचिंग का यानी के संघ का, टॉम एल्टर ने सर डेविड का, सुरेश ओबरॉय ने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का, शमरीम लाहौन ने श्रीराम मिराज का, जगदीप ने पीटर जॉन एक कोस्टा का, अनिल खान ने नित्य स्वामी का, बीरबल ने भीमा का, विजय कोटे ने कोल्हापुरी के हस्बैंड का, सुधांश पुरी ने दुर्गा की माँ का, करिश्मा धावना ने गणपत का और दुर्गा के पिता का, सुधीर ने एक इंडियन एक्टर बल्लू जगवार चौधरी के हस्बैंड का, पुरी ने डांस ऑर्गेनाइजर कई सॉन्ग का, कुड़ी बाबा मल्होत्रा ने लिली अली जगवार की मिस्ट्रेस का, अनिल ग्रेवाल ने टॉनी का रोल प्ले किया है। इस मूवी को 30 फिल्म फेयर अवार्ड मिला तथा इस मूवी को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में गुलशन कुमार को नॉमिनी किया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए सुभाष घई को, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और शम्मी कपूर को नॉमिनेट किया गया। इस मूवी के साउंड ट्रैक आरपी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, हाथों की चांद लकीरों का अनवर और सुरेश वाडकर द्वारा गाया हुआ गाना है और साथ ही लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना है। प्यार का इम्तिहान आशा भोसले द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत है। सात सतेलियां में हेलमता कांची, पद्मिनी कोल्हापुरी, शिवांगी कोल्हापुरी, किशोर कुमार अरोधा और पोदेवाला और साधना सरगम और अलका याग्निक बड़े बड़े द्वारा गाया हुआ यह एक गाना है जो लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है और ये अकेला गाना सिर्फ 9 मिनट का था। इस मूवी का आखिरी सॉन्ग बूढ़ी बाबा आशा भोसले द्वारा गाया हुआ है जो आज भी प्रचलन में है। इस मूवी के अभिनेता और निर्देशक यानी शमी कपूर की बात करें जो हिंदी फिल्म के एक बेहतरीन अभिनेता है, उन्हें जंगली तमसान नहीं देखा, दिल देखो देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंदिर, अंदाज, ईवन इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। शमी कपूर का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर जाने माने अभिनेता थे, अभिनय इनके विरासत में मिला था। शमी कपूर की पहली शादी अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी, लेकिन 1964 में चेचक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शमी कपूर ने नीला देवी से शादी की। 14 अगस्त 2011 की सुबह 5 बजे इनका निधन हो गया। साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति के बतौर अभिनेता शमी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और शमी की शुरुआती फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डब्बा और पार थी। शमी कपूर ने मुख्य अभिनेता के तौर पर 50 से अधिक फिल्में की थी और सहायक भूमिका में 20 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। शमी कपूर ने 2006 में सैंडविच, 2002 में वाह तेरा क्या कहना, 2001 में सेंसर, 1999 में जाना समझा करो, 1998 में करीब, 1998 में ढूंढते रह जाओगे, 1997 में और प्यार हो गया, 1998
1987 में शेयर बाजार, 1996 में मेगा और प्रेम कलक, नमक, रॉकर, डांसर जैसी फिल्में की हैं। 1994 में प्रेम का रोग, प्रेम का योग, विवेकानंद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं। 1993 में तुम करो याद, आज मेरी जान, गर्दिश जैसी फिल्में की हैं। वहीं 1992 में हमशकल, गुलेआम, तहलका, चमत्कार, हीरा मांझा जैसी फिल्में की हैं। 1991 में मस्त कलंदर, अजूबा, लक्ष्मण रेखा, बड़े घर की बेटी जैसी फिल्में हुई हैं। वहीं 1989 में बंटवारा में बड़े ठाकुर का रोल प्ले किया है। 1987 में हिम्मत और मेहनत में विजय के पिता का रोल प्ले किया है। 1986 में काला धंधा गोरे लोग ने विशेष भूमिका निभाई है। 1985 में बादल में ठाकुर सबसे सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1986 में करमदाता और अल्लाह रुखान में इन्होंने अपना बेहतरीन रोल किया है। 1982 में देश प्रेम में सबसे सिंह का रोल प्ले किया है। वहीं 1982 में विधाता में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। 1982 में इन्होंने तहलका, वहीं 1981 में आहिस्ता आहिस्ता में सागर का रोल प्ले किया है। 1981 में एक और फिल्म आई हरजाई में भी उन्होंने राजनाथ का रोल प्ले किया। 1997 में इन्होंने अंदाज में रवि का रोल प्ले किया है। वहीं 1969 में इन्होंने अशोक का रोल प्ले किया है, वो भी सच्चा मूवी में। 1968 में ब्रह्मचारी में इन्होंने एक ब्रह्मचारी का रोल प्ले किया है, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी, लाड साहब, किसी मंदिर, राजकुमार, प्यार किया तो डरना क्या, दिल तेरा दीवाना, प्रोफेसर, जंगली बॉयफ्रेंड, दिल देख देखो, चार दिल चार राही, तुमसा नहीं देखा, भीम साहिब, नकाब, जोर बजा, जीवन ज्योति और रेल का डब्बा जैसी बहुत सी मनोरंजक फिल्में की हैं जो लोगों को आज भी बहुत पसंद आती हैं। गाइस, आप सभी को एक्सप्रेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अपने फेवरेट एक्टर की भी किस मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है विधाता। यह मूवी 1982 में 3 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 80% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। विधाता 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित और गुलशन राय की कंपनी फिल्म द्वारा निर्मित की गई है। इसमें मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी हैं। इसमें शमी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबराय और सारिका सहायक भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म को कन्नड़ में पितामह के रूप में बताया गया था, जिसमें रविचंद्र, राजेश कुमार, उदय कुमार, विजयलक्ष्मी सिंह ने मलयालम में अंधकांतली के रूप में अभिनय किया था, जिसमें प्रेम नजीर, मधु, श्री विधवा और मुमुटी ने भी अभिनय किया था। इसे तमिल की मामसा विलाप के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी गणेश के साथ इसे बनाया गया था। विधाता 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और दशक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जब मुद्रास्त्र के लिए समायोजित किया गया तो इसने बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। मूवी सुपरहिट रही थी। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी के डायरेक्टर सुभाष घई हैं तथा राइटर सचिन वॉनविक, सुभाष घई और केदार खान। वहीं इस मूवी के प्रोड्यूसर गुलशन राय। इस मूवी में दिलीप कुमार, शमी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सुरेश ओबराय, अमरीश पुरी और सारिका मुख्य लीड रोल में नजर आती हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी कलमेकर रॉय ने की है। मूवी के एडिटर बोमन भोसले और गुरुदत्त सिंह ने की है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट तिरुपति फिल्म द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी की मुख्य बात यह है कि इस मूवी
का बजट 8 करोड़ का था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई करी, यानी इस मूवी ने अपनी दुगनी कमाई करी। इसलिए ये मूवी सुपरहिट भी रही है। स्टारिंग शमशेर सिंह यानी दिलीप कुमार और उनके बेटे प्रताप सिंह यानी सुरेश ओबेरॉय और बहू एक भारतीय गांव की एक खुशहाल जीवन जीने वाली औरत से शुरू होती है। शमशेर अपने दोस्त गुरबख्श यानी समूह कपूर के साथ इंजन ड्राइवर का काम करते हैं। प्रताप को गांव का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रताप द्वारा जगवार और उनकी अवैध गतिविधियों के मदद करने से मना करने के बाद एक कुख्यात स्थानीय तस्कर जगवार चौधरी यानी अमरीश पुरी द्वारा बेरहमी से मारा डाला जाता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शमशेर सिंह क्रोधित हो जाता है और वह जगवार के कुछ गुंडों को मार डालता है, जिससे उसे अपने बेटे के शव को जंगल में फेंकते हुए देखा था। जब वह जगवार के एक आदमी से उसके बेटे की हत्या के पीछे व्यक्ति के बारे में पूछता वाला होता है, तो पुलिस उसे रोक लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। शमशेर सिंह किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। कुणाल सिंह यानी संजय दत्त को जन्म लेते समय उसकी बहू की मौत हो जाती है। शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल को भी ले जाता है और पुलिस से छिपने के लिए अपना गांव छोड़ देता है। जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में अपने पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शमशेर सिंह एक शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन सर मिर्चिया यानी श्रीराम लालू के लिए काम करना शुरू कर देता है और सर स्वराज के रूप में उसे एक नई पहचान लेता है। समय के साथ वह एक धनी और शक्तिशाली तस्कर और मिर्चिया समूह का अध्यक्ष बन जाता है। शमशेर के वफादार कर्मचारी अबू अब्बा यानी संजीव कुमार की सख्त निगरानी में बड़ा होता है। उसे दुर्गा यानी पद्मी कोल्हापुरी से प्यार हो जाता है, जो एक खूबसूरत झुग्गी झोपड़ी की लड़की है और शमशेर के पुराने कर्मचारी गणपत की बेटी है। हालांकि चीजें एक बदसूरत मोड़ लेती है जब शमशेर सिंह कुणाल को दुर्गा से शादी करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से है। इसके बजाय वह दुर्गा की माँ यानी सुधा सिपुरी को अपनी बेटी के साथ शहर छोड़ने की चेतावनी देता है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हालांकि दुर्गा पहले तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में अपने प्यार को त्यागने के लिए सहमत हो जाती है और अपनी माँ के साथ एक जहाज में गोवा चली जाती है, जहाँ शमशेर के लोग उसे के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। अबू अब्बा उनके बचाव में आते हैं और उन्हें बचाते हैं, लेकिन शमशेर के आदमी द्वारा जगवार की मदद से मार डाला जाता है, जो गोवा का एक शक्तिशाली तस्कर बन गया है। कुणाल अपने अबू के शव को देखकर तबाह हो जाता है और बदला लेने का वादा करता है। अबू अब्बा की मौत की उसकी जांच के अंत में उन्हें दादा की असली पहचान और उसके पिता की पैर के बारे में पता चलता है। इसके बाद जगवार और उसके बीच कांटे की टक्कर चलती है, जिसमें वो शमशेर सिंह की मौत का बदला से लेता है। अंडरवर्ल्ड डॉन का सोबराज को भी मार देता है। उसके बाद वह जगवार को मारकर अपना अंतिम बदला लेता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है, जो अब तक जीवित होती है। अपनी माँ और दुर्गा के परिवार के साथ संजय अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और यही इस मूवी का डी एंड हो जाता है। कास्टिंग की बात करें तो दिलीप कुमार ने शमशेर सिंह का, समी कपूर ने गुरबेश सिंह का यानी शमशेर के फ्रेंड का, संजीव कुमार ने अबू बाबा का, संजय दत्त ने कुणाल सिंह का, पद्मिनी कोल्हापुरी ने दुर्गा का, सारिका ने नीलामी का, अमरीश पुरी ने जगवार चौधरी का, मदन पुरी ने के सिंह का यानी शमशेर असिस्टेंट का, गौतम शरानी ने पोचिंग का यानी के संघ का, टॉम एल्टर ने सर डेविड का, सुरेश ओबेरॉय ने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का, शमरीन लाहौन ने श्रीराम मिराज का, जगदीप ने पीटर जॉन एस कोस्टा का, अनितान ने मुत्तुस्वामी का, बिरबल ने भीमा का, विजय कोटे ने कोल्हापुरी के हस्बैंड का, सुधा सिपुरे ने दुर्गा की माँ का, करिश्मा धावना ने गणपत का और दुर्गा के पिता का, सुधीर ने एक इंडियन एक्टर बल्लू जगवार चौधरी के हैचमैन का, ग्रीन ने डांस ऑर्गेनाइजर कई सॉन्ग का, पूरी बाबा
मल्होत्रा ने लिली हनी जगवाल की एक्ट्रेस का, करण ग्रेवाल ने टॉनी का रोल प्ले किया है। इस मूवी को 30 फिल्म फेयर अवार्ड मिला तथा इस मूवी को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में गोशन कुमार को नॉमिनी किया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए सुभाष घई को, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए संजीव कुमार और शम्मी कपूर को नॉमिनेट किया गया। इस मूवी के साउंड ट्रैक आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। हाथों की चांद लकीरों का अनवर और सुरेश वाडकर द्वारा गाया हुआ गाना है, वो साथ ही लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गाना है। प्यार का इम्तिहान आशा भोसले द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत है। सात सतेलियां में हेलमता कांची, पद्मिनी कोल्हापुरी, शिवाजी कोल्हापुरी, किशोर कुमार अरोधा और पौधेवाला और साधना सरगम और अलका याग्निक, इन बड़े बड़े सिंगरों द्वारा गाया हुआ यह एक गाना है जो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये अकेला गाना सिर्फ 9 मिनट का था। इस मूवी का आखिरी सॉन्ग बूढ़ी बाबा आशा भोसले द्वारा गाया हुआ है जो आज भी प्रचलन में है। इस मूवी के अभिनेता और निर्देशक यानी शम्मी कपूर की बात करें जो हिंदी फिल्म के एक बेहतरीन अभिनेता है, उन्हें जंगली तमसान नहीं देखा, दिल देखो देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, श्री मंदिर, अंदाज, जीवन इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। शम्मी कपूर का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर जाने माने अभिनेता थे। अभिनय इनके विरासत ने मिला था। शम्मी कपूर की पहली शादी अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी, लेकिन 1964 में चेचक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी की। 14 अगस्त 2011 की सुबह 5 बजे इनका निधन हो गया। साल 1953 में रिलीज फिल्म जीवन ज्योति के बतौर अभिनेता शम्मी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और शम्मी की शुरुआती फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डब्बा और गुल शनोवार थी। शम्मी कपूर ने मुख्य अभिनेता के तौर पर 50 से अधिक फिल्में की थी और सहायक भूमिका में 20 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता है। शम्मी कपूर ने 2006 में सैंडविच, 2002 में बात है क्या कहना, 2001 में सेंसर, 1999 में जाना समझा करो, 1998 में करीब, 1998 में ढूंढते रह जाओगे, 1997 में और प्यार हो गया, 1997 में शेयर बाजार, 1996 में मेघा और प्रेम करण, नमक, रॉकर, डांसर जैसी फिल्में की हैं, 1994 में प्रेम का रोग, प्रेम का योग, विवेकानंद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं, 1993 में तुम करो याद, आज मेजान, गर्दिश जैसी फिल्में की हैं। वहीं 1992 में हम शकल, खुलेआम, तहलका, चमत्कार, हीरा मांझा जैसी फिल्में की हैं। 1991 में मस्कलेंदर, अजूबा, लक्ष्मण रेखा, बड़े घर की बेटी जैसी फिल्में हुई हैं। वहीं 1989 में बंटवारा में बड़े ठाकुर का रोल प्ले किया है। 1987 में हिम्मत और मेहनत में विजय के पिता का रोल प्ले किया है। 1986 में काला धंधा गोरे लोग में विशेष